हमारे देश में भ्रष्टाचार को लेकर के बहुत बातें होती हैं। आपने देखा होगा बीमार व्यक्ति भी दूसरे को स्वस्थ कैसे रहना चाहिए उसकी टिप्स देने की आदत रखता है। खुद तो अपना संभालता नहीं है लेकिन हर इंसान को स्वभाव होता है ना, तुम ऐसा करो ठीक हो जाओगे, तुम वैसा करो ठीक हो जाओगे। ये करप्शन भी ऐसा है, जो इसमें लिप्त हैं वो भी सलाह देता है, जो इसके कारण परेशान है वो भी सलाह देता है, और एक प्रकार से एक दूसरे को सलाह देना यही चला है। भाइयों बहनों, मैंने कभी ये घोषणा नहीं की है लेकिन आज मैं हिसाब देना चाहता हूं। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, मैं 125 करोड़ देशवासियों की टीम इंडिया को कहना चाहता हूं कि ये देश भ्रष्टाचार से मुक्त हो सकता है। अनुभव के आधार पर कह रहा हूं, ऊपर से शुरू करना होता है, साथ साथ भ्रष्टाचार हमारे देश में दीमक की तरह लगा हुआ है और दीमक ऐसी फैलती जाती है, पहले तो दिखती नहीं है लेकिन जब बेडरूम तक घुस जाए, कपड़े जहां लगे उस कपबोर्ड तक पहुंच जाए तब पता चलता है। और जब दीमक से मुक्ति लेनी है तो हर स्क्वायर मीटर जमीन पे इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं दवाइयों के। घर में एक जगह पर इंजेक्शन लगाने से काम नहीं बनता है, दीमक को अगर खत्म करना है तो हर स्क्वायर मीटर पे हर महीने इंजेक्शन लगाते रहना पड़ता है, तब जाकर के सालों प्रयास करने के बाद दीमक से मुक्ति मिलती है। इतने बड़े देश में भी भ्रष्टाचार रूपी दीमक से मुक्ति के लिए अनेक प्रकार के कोटि कोटि प्रयासों की आवश्यकता है। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि खड़गे जी ने, श्री राहुल गांधी जी ने और अन्य सदस्य जिन्होंने ये आरोप लगाए हैं, सरकार उनको पूरे रूप से निराधार मानती है, उनको खारिज करती है। मैडम स्पीकर,